नमस्कार दोस्तों, मैं रवि साहू। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RBS7 लाइव न्यूज। हर खबर सच्चाई के साथ, सच्चाई का प्रतीक, सच्चाई का आईना। तपस्वी खड़े श्री महंत योगी विजय देवनाथ महाराज जी का लाइव वीडियो, आइए आपको सुनवाते हैं योगी बाबा की जुबानी। श्री राम महात्माता की जय, जय हिंद, जय जय। भाई आज की वीडियो बनाने का तात्पर्य यह है, जो अभी कुछ दिन पहले ही तीन चार दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी और मेरे पास आई थी, वो फिर मैंने भी वायरल किया था उसको। मोर राष्ट्र, हमारी राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्रीय पक्षी मोर को मार दिया था। थाना अलीगंज का मामला है, नौगवा की गोटिया गांव है, नौगवा उसकी गोटिया का मामला ये। वहाँ एक शिकारी ने, उसका नाम तो मैं नहीं जानता, वो गैनी का बता जा रहा, थाना अलीगंज का ही है गैनी गांव जो थाना अलीगंज में आता है। तो वो वहाँ का एक लड़का शिकार करने गया हुआ था, उसने मोर को मार के थैले में रख लिया था। कुछ लोगों ने उसको पकड़ के उससे पूछताछ की और उसकी वीडियो भी बनाई, वो वीडियो वायरल हुई। वो मेरे पास आई, मैंने संज्ञान लिया। उसमें वन विभाग के जो रेंजर या अन्य अधिकारी जो भी हैं, एक कोई अवनी से गंगवार हैं, तो उन्होंने उसमें देखा का अपनी ये देख रेख करके उसने जांचा और थाना पुलिस ने भी अलीगंज ने जांचा उसमें। और उसने उसको थाने की पुलिस ने ये कहा कि आप इसमें वो दीजिए तहरीर। अवनीश जी ने उसमें तहरीर नहीं दी, अवनीश गंगवार जी है जो वन विभाग के अधिकारी, उसने देना मुनासिब नहीं समझा। मुझे तो ऐसा लगता है, हो सकता उसने कुछ ना कुछ उस लड़के से ले लिया हो। तो उसने ये कहा कि एक नितिन महाजन है, उससे दिलाएंगे। आज बहुत दिन, करीब करीब ये 8-10 दिन पहले की बात बताई जा रही है, तो इतने दिन बीत चुके हैं, तो आज तक न तो नितिन महाजन ने और न ही इस लड़के उस अधिकारी, रेंजर अधिकारी है जो भी अवनीश है, उसने ऐसा कुछ नहीं दिया। और कर पत्रकारों को गुमराह भी किया है कि उस लड़के को मैंने जेल भेज दिया। किस कानून में भेज दिया भाई तुझे जेल, तूने जेल उसको, और कौन सी जेल में भेजा है, क्यों झूठा झूठ को फैला रहा है, क्यों ऐसा प्रोपगंडा तेरा नहीं चलेगा। अब हम मैं आज कल मैंने इस विषय पे एसओ साहब से बात की थी, अलीगंज एसओ से, तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा था कि गुरुजी वो उन्होंने मेरे को तहरीर नहीं दी, किसी ने भी नहीं दिया, आप दीजिए, आप अगर तहरीर देना चाहते तो दीजिए, मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। आज उनको तहरीर मिल चुकी है और मैं खुद दे क्या हुआ दोपहर में, उस पर कार्रवाई होगी। और अवनीश भाई, आपने अपने वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं निभाई, आपने थोड़ी सी घुस ले ली उस लड़के से जो भी लिया। मैं बोलता हूँ क्यों नहीं की कार्रवाई आपने, क्यों नहीं की, आप तहरीर देकर, प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई कराते अलीगंज थाने में, उसके ऊपर मुकदमा लिखवाते। आज जो मैंने प्रार्थना पत्र दिया है, ये आपने देना चाहिए था। आप एक रेंजर अधिकारी है, जिस भी पद पे हैं आप एक जिम्मेवार पद पे हैं, आपका काम था, अब वो काम हमने करना पड़ रहा है। ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी, जो आपने ये उसके खिलाफ, क्या रिश्तेदार था आपका, आपने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करवाई, और कहते हो कि मैंने अपनी कार्रवाई कर दी अपने विवाद के माध्यम से। क्या कर दिया तूने, ज्यादा बनाना तेरे उसके आगे ही धरना दे दूंगा। अगर अब यहाँ के थाना अध्यक्ष बड़ी विनम्रता से उन्होंने आज मुझे आश्वासन दिया, ये कहा कि गुरुजी आप चिंता ना माने, हम इसके खिलाफ आपने तहरीर दे दी और कार्रवाई होगी होगी। मुझे विश्वास है अलीगंज थाना पुलिस पर, अलीगंज एसओ पर, वो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। अगर इसमें कोई लोचा करने की कोशिश की अवनीश ने, तो मैं वही जान जाएगा, बस ये बताता हूँ, उसके वन विभाग के वहीं बरेली में उसके सामने, ऑफिस के सामने ही वहीं धरना दे दूंगा। हमारे राष्ट्रीय पक्षियों को बचाने की हमारी अब लड़ाई है। यहाँ पर मोर इतने होते थे, इन लोगों ने उनको खा लिया मार मार के। अब बस एक ही हमारा ध्येय है, इनको बचाया जाए, जो अब बचे हुए हैं, कुछ भी बचे हुए, उनको मरने से बचाया जाए। और ऐसे लोगों के खिलाफ मैं ये लड़ाई लड़ूंगा। जय श्री राम।